यंत्र मंत्र खिलाड़ी बैठे यहाँ डॉक्टर बैठे हैं स्वयं प्रधाना है दिया किसी ने भी दिया आप लोग बैठे बच्चे नहीं जिस बच्चे ने दिया मैं उसे अलग ले जाती हूँ कहीं किस्म के प्रेशर्स कहीं किस्म के टॉर्चर्स भी हो जाते हैं तो बच्चों ने कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो मैंने उनसे पूछा जैसे आप बता रहे हैं हम इसको स्टडी करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व ना हो सके अश्लील मैसेज भेजता है नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा अभी सात पन्नों की चिट्ठी है काफी गंभीर आरोप है वृंदावन घूमने चले और भी बहुत सारे आरोप मैंने अभी तक वो चिट्ठी पढ़ी भी नहीं है और अगर वो चिट्ठी मुझे दी गई तो आपको पहले कैसे पता चल गई मैंने अभी पढ़ी नहीं है आपने देखा मेरे हाथ में एज इट इज पढ़ी है परिवार के जैसे निकलते हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे जिस भी विषय को लेंगे उसको उससे बेहतर करने की तरफ आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। इंदुराज जी आए हैं कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों ने शिकायत भी दी है। देखिए आए पूरी कमेटी आई बहन जी हमारी चेयरमैन है उन्होंने आपको सब कुछ बताया हम बच्चों से भी मिले बहन जी अकेले भी मिली मैं भी खुद अकेले बच्चों से मिला जो MBBS के फर्स्ट ईयर के छात्र थे हाँ सो MBBS के छात्र हैं जो पहली फर्स्ट ईयर उनका उनसे भी मैं मिला बहुत सारे बच्चे मिले और जो दूसरे छात्र जिसने आपने बात करी उनसे भी मिला सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई जो बच्चों की शिकायत थी उन्होंने सुना और जो भी हो और भी उनको सुनेंगे जो भी होगा सही होगा कोई आरोप लगा रहे हैं वो देखिए वो सब आप भी समझदार हो आप समझो इस बात को जो भी क्लियर से बताइए इन्हें पूरी क्लियर होगी कोई दबाव नहीं रखा जाएगा ना कोई दबाया जाएगा जो बात होगी वो उसके ऊपर एक्शन होगा। आपके सामने बच्ची रो रही थी आप भी एक पिता होंगे देखिए मैं पिता हूँ मेरी दो दो बेटियाँ हैं ये भी मेरी बेटी है ऐसी कोई फर्क नहीं है कि वो दो बेटी का पिता हूँ मैं इनका ही पिता हूँ कोई फर्क नहीं है अगर कोई भी टॉर्चर इन बेटियों को किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा ये आज ही तुरंत। तो आप आज देख सकते हैं कि करनाल में एक मीटिंग है विधानसभा की कमेटी है 11 विधायकों को न्योता दिया गया है और चेयरपर्सन है सीमा त्रिखा और आप देख सकते हैं तमाम विधायक पहुंचना शुरू हो गए हैं साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक इंदुराज भी पहुंचे हैं और DG हेल्थ पहुँची हैं साथ ही साथ ACS अधिकारी पहुँचे हैं करनाल के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे देखा जाएगा कि किस तरीके से एजुकेशन पर काम हो रहा है देखा जाएगा किस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन पर काम हो रहा है और हेल्थ सर्विस करनाल में कैसी है इसलिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल और कॉलेज का भी निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही साथ सिविल अस्पताल का भी निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद ITI संस्थान का भी क्योंकि वहाँ पर बच्चे 10th के बाद प्लस 2 के बाद ITI का कोर्स करते हैं और टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करते हैं और किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन मिल रही है तमाम चीज़ें देखी जाएंगी 11 विधायकों को न्योता दिया गया है अलग अलग विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी जो कांग्रेस के विधायक हैं असन से वो भी पहुंच गए हैं आप देख सकते हैं सीमा त्रिखा जो चेयरपर्सन हैं वो भी पहुंच गई हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं जगदीश दुरेजा जो डायरेक्टर हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के तमाम विधायकों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं इंदुराज जो विधायक हैं कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी जो विधायक हैं कांग्रेस के सीमा तरीखा जो चेयरपर्सन है इस कमेटी की और साथ ही साथ शशिपाल जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए 11 विधायकों को कुल न्योता दिया गया है जिसमें भव्य बिश्नोई नैना सिंह चौटाला जगदीश नायर तमाम विधायकों को न्योता दिया गया है और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उनकी तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है इसके बाद सिविल हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया जाएगा उसके बाद ITI संस्थान का भी निरीक्षण किया जाएगा ये कमेटी हर जगह जाएगी हर ज़िले में जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएँ हैं किस तरीके से एजुकेशन की व्यवस्था है किस तरीके से
टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था है, क्योंकि करनाल का कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल वही अस्पताल है कि जब कोरोना आया था तो तमाम मरीजों का जो अस्पताल है, मरीजों का इलाज है, वो इसी अस्पताल में हुआ था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन की हैं, और सीमा तरीका जो चेयरपर्सन हैं इस कमेटी की, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक भी हैं, जेजेपी के विधायकों को भी न्योता दिया है, भव्य बिश्नोई को भी न्योता गया है, मोहम्मद इलियास को भी न्योता गया है, और लैब का भी निरीक्षण करने तमाम विधायक ये कमेटी जाती हुई नज़र आ रही है। मेरे आने से थोड़ी ये चेयरमैन साहब आई है ना, जब आई है सफाई, सर क्या कहेंगे, ये कह रहे आप आए हो ना, आप इसलिए सफाई हुई है, बगा नहीं चेयरमैन साहब आई है इसलिए हुई है। हाँ जी, आप पहले भी आए हैं, आज कुछ फर्क नजर आ रहा है? देखो अभी हमारी कमेटी की बात है, जब कमेटी की मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, जब पूछना सारी बातें बताऊंगा। सर रह रहकर आरोप लगते रहे कल्पना चावला, अभी आरोपों की बात नहीं हो रही, अभी तो सुधार की बात हो रही है, कमेटी आई है सुधार करने के लिए। तो आपको अच्छा लग रहा आज घूमने में? मैं तो घूमता ही रहता हूँ, पहले कोई पूछता नहीं, आज जरा पूछ रहे हैं बस। तो आप देख सकते हैं कि जगदीश दुरेजा जो डायरेक्टर हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के, वो समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल काम करता है, यहाँ का स्टाफ काम करता है, क्या क्या सुविधाएँ तमाम लोगों के लिए है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और हर फ्लोर का जो है वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है, हर लैब का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। सीमा त्रिखा जो इस कमेटी की चेयरपर्सन है, इंदुराज शीशपाल विधायक, साथ ही साथ विधायक शमशेर सिंह गोगी, चार विधायक अभी नज़र आ रहे हैं, कुल 11 विधायकों को न्योता गया है, जिसमें मोहम्मद इलियास भी हैं, भव्य बिश्नोई भी हैं, निर्मल रानी विधायक भी हैं, साथ ही साथ नैना चौटाला भी हैं, लेकिन सभी विधायक नहीं पहुंचे हैं। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि जब कमेटी विधानसभा की तरफ से बनाई गई है जो एजुकेशन पर काम करे, टेक्निकल एजुकेशन पर काम करे, वो कमेटी काम करे, हेल्थ सर्विसेज पर, सभी विधायकों को एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, स्वयं प्रताड़ना है, देखो स्वयं प्रताड़ना है, किसी ने भी दिया, आप पढ़ो, किसी ने दिया, ये बैठे बच्चे नहीं, जिस बच्चे ने दिया मैं उसे अलग ले जाती हूँ। ठीक है, किसने दिया बेटा? मैम इस पूरे बैच ने दिया, पूरे बैच ने दिया। मैम प्लीज हमें मीडिया के सामने नहीं आना, मैम प्लीज। हाँ हाँ कोई ना, भाई कोई फोटो नहीं, भाई बंद रखो, इसलिए बाउंड तो हट जाएगा, लेकिन मन में ये धार दो भी सबसे पहले 2-4 साल गांव में अगर रोटेशन में सेवा करते रहोगे तो गांव वालों को फायदा हो जाएगा, यहाँ कल्पना चावला में भीड़ कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब करनाल का जो आखिरी गाँव है यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है, अगर वहाँ से यहाँ मरीज ले आए तो रास्ते में ही पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पहुँचेगा नहीं, अगर सुविधा वहाँ दे दोगे, तुम सेवा करोगे तो मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा होगी। अगर तुमने सेवा की भावना ठान ली ना, सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि हम कौन था, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी कोई भी बात हो बेझिझक बताना, तो आपकी सुविधा ना मिले जो सुविधा मिली जो आपको ना मिले, ऐसी अगर कोई बात हो तो आप जरूर बताना, बहुत मुबारक हो आपको क्लियर की, आप भविष्य में अच्छे डॉक्टर बने, ये मेरी दुआ भी रहेगी आपके साथ, बड़ा खुश हुआ कि देख कर सारा हरियाणा बैठे बैठे, इसकी भी भविष्य में आप हरियाणा के भविष्य रहेगा, मेहनत से पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो
आप देख सकते हैं हर बच्चे से जानकारी जुटाई जा रही है, उनके बारे में पूछा जा रहा है और उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बीएससी ओटी टेक्नीशियन के तमाम ये बच्चे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सीमा तरीखा जो चेयरपर्सन है इस कमेटी की, वो यहाँ पर पहुँची हैं और तमाम आज हम कमेटी आई है, हम इधर करनाल के अलग अलग जगह को विजिट करेंगे। जब बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट ईयर का बैच है, कई किस्म के प्रेशर्स, कई किस्म के टॉर्चर्स भी हो जाते हैं, तो बच्चों ने कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो मैंने उनसे पूछा, जैसे आप बता रहे हैं हम इसको स्टडी करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। अश्लील मैसेज भेजता है कोई? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी 7 पन्नों की चिट्ठी है, काफी गंभीर आरोप है, वृंदावन घूमने चले और भी बहुत सारे आरोप हैं। मैंने अभी तक वो चिट्ठी पढ़ी भी नहीं है, और अगर वो चिट्ठी मुझे दी गई तो आपको पहले कैसे पता चल गई? मैंने अभी पढ़ी नहीं है, आपने देखा मेरे हाथ में एज इट इज पढ़ी है। मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम HOD जगदीश दुरेजा जो कि डायरेक्टर, आप तक कैसे पहुंच गई? जानकारी तो मिली है ना मैम आपको? मेरा कहने का, आपके पास क्या उन्होंने मैंने अभी मेरे बच्चों ने क्या बताया? बच्चों ने अभी जो मेरे से कहा, जो 2-3 हमारे बच्चे थे, मैंने उनको कहा आप सब इकट्ठे हो, मैं तुम्हारे से अलग अलग इंडिविजुअली मिल के बात करती हूँ। कॉलेज अथॉरिटीज़ और चंडीगढ़ से अथॉरिटीज़ आई, उनके साथ बैठते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं, और उन संवेदनाओं में एक 17, 18, 19 साल के बच्चे की मानसिकता भी उतनी संवेदनशील होती है। और मेरे को और आपको या किसी को भी कोई भी इश्यूज जब ऐसे होते हैं तो हमें उसको उसी ग्रेविटी के साथ टेकअप करना चाहिए। तो अभी कुछ बच्चों ने मेरे को, मतलब 2-3 बच्चों ने, 5 बच्चे होंगे यहाँ पर उस टेबल पर, 2 बॉयज़ थे, 4 गर्ल्स थी, उन्होंने कुछ बात बोली, एक बच्चे ने बोली, तो मैंने उनसे कहा आप मेरे पास आओ अभी हम बैठते हैं। टॉर्चर का आरोप है मैम, टॉर्चर ना सही, ऑफ कैमरा हमने देखा कुछ फीमेल स्टूडेंट्स शायद रो भी रही थी। नहीं, कोई नहीं रोई, रोई है मेरे सामने, अगर मेरी और एक मिनट मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने कैमरे से मुझे भी कैप्चर किया होगा, उन बच्चों को भी किया होगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मेरे को 2 बेटियों से मेरी बात हुई, वो बिल्कुल आंसू नहीं निकला। मेरे साथ शायद आप बैठे हुए थे, इनके साथ किसी और के साथ हुआ तो मेरे को नहीं, लेकिन मेरे पास नहीं। और टॉर्चर का आरोप है मैम, है टॉर्चर का? मैंने अभी उनसे कहा है कि आपको जो दिक्कत है आप मेरे को बताइए, मुझे बताइए, मैं अभी बुलाऊंगी। कोई तो दिक्कत है मैम, उन्होंने प्रॉब्लम बोली है, मैंने उनको कहा मैं आपको प्रॉब्लम वर्ड बोला है, उन्होंने कहा प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको कहा मैं अभी बुलाती हूँ यहाँ पर इतने, मैं आपने देखा मैं एक एक टेबल पर गई हूँ, इंडिविजुअली हर बच्चे से मैंने सवाल पूछा, बाकी सब टेबल्स पे सबने ओके रिपोर्ट दी है। मैम एक तरफ खिलाड़ी यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के अंदर, आपने देखा जी, यहाँ पर बच्चे परेशान हैं, भविष्य कहाँ जा रहा है? देखिए लाइफ है, लाइफ में जो वो यौन शोषण है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ है, लाइफ में ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहती है। मैं पूरा कम्प्लीट कर लूँ मैं कि नए चैलेंज रोज होते हैं हमारे पास, हमारे पास, मैंने मेरे पास नहीं, हम सब के पास होते हैं, आपके पास भी आज है, तो वो उस नए चैलेंज को कवर अप कैसे करना है, और बीइंग अ मदर आल्सो ये मेरी जिम्मेवारी अदरवाइज भी बनती है कि मैं अपने से कमिंग अप जनरेशन को सही रास्ता दिखाऊं। तो अभी इनके साथ बैठेंगे करेंगे अलग से, आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक माँ हैं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं मदर हूँ तो मैं माँ होते हुए कुछ होता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? जब होगा तो वो मैं प्रिज्यूम नहीं करूंगी, जो वो बच्चे बात करेंगे अलग से भी बात की अभी मैं करूं, अभी भी करी है आपने, सबने कवर किया है, मैंने एक टेबल पे जा करके मेरा गला वैसे ही खराब है थोड़ा, शायद इतने लोगों के बीच में वो अपनी बात ना रख पाए अलग से, मैंने बिल्कुल बिल्कुल, आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी इनको बच्चों को जो बताएंगे उनकी बताई हुई बात के मुताबिक आगे कार्रवाई। ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी, कमेटी का उद्देश्य क्या है? जो ये जो आज हमारी कमेटी आई है, ये हेल्थ एंड एजुकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ये पूरे प्रदेश में देखती है, तो आज हम स्पेशली टीम मेंबर्स खड़े हैं, शीशपाल जी भी और हमारे इंदुराज जी भी, गोगी नहीं, हम तो तीनों गोगी जी के कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर आए हैं, क्योंकि उनके गोगी जी का
पहले तो 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए तो हमारी स्पॉट विजिट नहीं होती थी, पर गोगी जी लगातार नॉक करते रहते हैं हाउस में भी और हमारी कमेटीज़ में भी। तो आज का दिन हमने गोगी जी के क्षेत्र को, सीएम सिटी को, गोगी जी के इलाके को, सात विधायक और आने थे मैम, 7 विधायक। ये गंभीर मुद्दे नहीं होते हैं। ये क्या होता है कि जैसे जो हमें करना है, अब जैसे हम यहाँ आए हैं, यहाँ का तो पहले इंटीमेटेड है, लेकिन कुछ जगह हमने ऐसी जगह जाना है जो हमने प्रशासन को इंटीमेट ही नहीं किया। जब हम ऑल ऑफ सडन औचक जाएंगे, देखिए गोगी जी का विश्वास ये रहता है, हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं, गोगी जी का विश्वास ये रहता है कि बिना बताए हुए जाओ, और मैं दोनों बात में विश्वास रखती हूँ। अगर हम बता देते हैं, कमियाँ तो हर जगह हमेशा रहती हैं, कहीं थोड़ी है कहीं ज़्यादा है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि प्रशासन अलर्ट होकर 2 दिन में 3 दिन में उसको बेहतर कर देता है। पर अब क्या होगा, जहाँ हम बिना बताए हुए जाएंगे भी तो वहाँ पे जो कमी मिलेगी तो वो आने वाले 1 महीने में 2 महीने में बेहतर रफ्तार। 2022 तक सेकेंड फेज का काम पूरा होना था, पूरा तो क्या वो इतना काम हो ही नहीं पाया, इसको लेकर अभी क्या अभी अभी हम बैठेंगे इस विषय को लेके, अभी हम बैठेंगे। एक आखिरी सवाल, 7 विधायकों ने और आना था, 11 विधायक इनवाइटेड थे, 4 विधायक पहुंचे, ऐसे काम हो पाएगा? हो जाता है जी ये काम। ये जो विधायक होते हैं ना, बेसिकली दे आर द मॉनिटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो हमारी जो कोरम होता है वो 3 MLA के साथ पूरा हो जाता है। हमारे 2-3 दूसरे विधायक भी आए थे, एक ज़रूरी कोई चिंता की कोई बात थी तो लोकल ही हैं तो वो वहाँ पर गए हैं, वहाँ से वो फिर हमें ज्वाइन कर। एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं, आज कितनी एम्बुलेंस अवेलेबल? मैं अभी तो हम आपको दोबारा ब्रीफ करेंगे। नहीं, आपको ब्रीफ तो हमने आपको एक बार बता दी कि जो यहाँ पे कमियाँ पाई जाएंगी हम उसको आगे कमेटी जो है रिकमेंड करेगी, माफ किया जाएगा सर, हाँ, कि उसको बेहतर करा जाए और बेहतर। हमारी ये जो कमेटी है ये कहीं भी जाती है, सिर्फ हमारी नहीं, विधानसभा की कोई भी कमेटी कहीं जाती है तो वो उसको और बेहतर करने के लिए जाती है। हम लोग मिक्स एक गुलदस्ता होता है कि हम जब कमेटी बनाते हैं स्पीकर साहब तो वो किसी पार्टी की नहीं बनाते हैं, मिक्स एक गुलदस्ता बनाते हैं, हर लोग वहाँ पे हर पार्टी की उसमें रोल होता है। और जब हम निकलते हैं तो हम एक परिवार के जैसे निकलते हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी विषय को लेंगे उसको उससे बेहतर करने की तरफ आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। इंदुराज जी आए हैं, कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों ने शिकायत भी दी है। देखिए आए आए पूरी कमेटी आई, बहन जी हमारी चेयरमैन है, उन्होंने आपको सब कुछ बताया। हम बच्चों से भी मिले, बहन जी अकेले भी मिली, मैं भी खुद अकेले बच्चों से मिला, जो MBBS के फर्स्ट ईयर के छात्र थे, हाँ सो MBBS के छात्र हैं जो पहली फर्स्ट ईयर, उनका उनसे भी मैं मिला, बहुत सारे बच्चे मिले, और जो दूसरे छात्र जिसने आपने बात करी उनसे भी मिला। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई, जो बच्चों की शिकायत थी उन्होंने सुना, और जो भी हो और भी उनको सुनेंगे, जो भी होगा सही होगा। तो लगा रहे हैं वो, देखिए वो सब आप भी समझदार हो, आप समझो इस बात को, आप समझदारी जो भी क्लियर से बताएंगे नहीं, पूरी क्लियर होगी, कोई दबाव नहीं रखा जाएगा, ना कोई दबाया जाएगा, जो बात होगी वो उसके ऊपर एक्शन होगा। सामने बच्ची रो रही थी, आप भी एक पिता होंगे। देखिए मैं पिता हूँ, मेरी 2-2 बेटियाँ हैं, ये भी मेरी बेटी है, ऐसी कोई फर्क नहीं है कि वो 2 बेटी का पिता हूँ, मैं इनका ही पिता हूँ, कोई फर्क नहीं है। अगर कोई भी टॉर्चर इनमें इन बेटियों को किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये आज ही तुरंत एक्शन होगा, कल नहीं होगा। बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है, बेटियों को कहां से सुरक्षित रखा जा रहा है? देखिए आप सवाल पर सवाल करोगे, लेकिन मैंने एक ही बात की, तुरंत एक्शन होगा, जो बेटियों ने कहा हमारे से, हमने पूछा और भी पूछेंगे, तुरंत विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे? नहीं, यहाँ एक्शन होगा, मुद्दा की तो बाद की बात है, जो एक्शन होगा तुरंत एक्शन होगा, एक अहम सवाल जिसके खिलाफ होना अभी होगा। ब्रेड पकोड़े की दुकान तो मुख्य द्वार पर है, गेट पर है, लेकिन जो मेडिसिन की शॉप है वो काफी पीछे, लोगों को कई बार पता ही नहीं चल पाता। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी पकोड़े तलन की बात करते हैं, इसलिए गेट पे। अभी तो कल्पना का दौरा कल्पना में है, जैसे ही मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग खत्म होने के बाद आप मेरे से पूछना, बातें बहुत सारी हैं, आपने दौरा किया कुछ, लेकिन अभी मामला चल रहा है प्रोटोकॉल में। अच्छा जी, अभी प्रोटोकॉल में रहने दो, और जब हम
एक डिसीजन पे पहुंच जाएंगे, उसको रिकमेंड कर देंगे, तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। बातें बहुत सीरियस हैं, मामला प्योर फॉर श्योर नहीं है। एक चीज, टॉर्चर का आरोप लगाया बच्चियों ने। अभी बात करने दो ना। नहीं, हल्का बोल। ओए मांशु जी, प्रोटोकॉल के बाहर बात करना अच्छा नहीं है। नहीं यार, दूर दूर से बात। अरे मैं भी जिम्मेदार आदमी हूँ, बाद में बताऊंगा ना। मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ी दो एक घंटे वेट करो। क्या क्या चेक किया लैब में, गए थे बच्ची यहाँ रो क्यों रही है? देखो प्रेशर में तो है, थोड़ी सी उन्होंने कोई कंप्लेंट किया है, अभी उसको वेरीफाई करेंगे। थोड़ी तो नहीं, कुछ तो कारण है, तभी टॉर्चर का आरोप लगाया। रो रही थी अंदर। मैं कह रहा हूँ ना, वेरीफाई करेंगे, अभी बच्चों को बुलाया मीटिंग में, बाद में बताएंगे सर जो भी। हाँ मैं बताऊंगा। हरियाणा सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो एजुकेशन का ध्यान रख रही है, जो टेक्निकल एजुकेशन का निरीक्षण कर रही है, साथ ही साथ हेल्थ सेवाएं कैसी है इस पर भी विचार किया जा रहा है। और आज वो कमेटी करनाल पहुंची है, जिसकी चेयरपर्सन सीमा त्रिखा हैं, जो बीजेपी की विधायक भी हैं। लेकिन इसके अलावा इस कमेटी में 10 सदस्य और हैं, कुल 11 सदस्य हैं, और जिसमें शमशेर सिंह गोगी भी हैं, इंदुराज जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी हैं, शीशपाल विधायक भी हैं, भव्य बिश्नोई को भी न्योता था, नैना सिंह चौटाला को भी न्योता था, मोहम्मद इलियास को भी न्योता था। लेकिन यहां पर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में महज 4 विधायक नजर आए। निरीक्षण किया गया, व्यवस्था चेक की गई कि किस तरीके से अस्पताल काम कर रहा है, कोविड में कैसा काम किया, कैसी लैब्स यहां पर हैं। लेकिन जब चारों विधायक पहुंचते हैं बीएससी ओटी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में, जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पर कुछ लड़कियों की तरफ से एक शिकायत दी जाती है, और जब वो शिकायत पहुंचती है विधायकों के पास, तो उसके बाद कुछ बच्चियां वहां पर रोने भी लग जाती हैं। आप समझ सकते हैं, एक बच्ची तभी रोती है जब उसके ऊपर प्रेशर होता है, और ये बात विधायक शमशेर सिंह गोगी खुद बोल रहे हैं, बाकी विधायक भी बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे प्रेशर में हैं, टॉर्चर भी हो सकता है। क्या कुछ पूरा मामला है, ये बाद में जब जानकारी प्रॉपर तरीके से सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से आ रहा है कि बच्चे प्रेशर में हैं बीएससी ओटी टेक्नीशियन के। कौन से वो बच्चे हैं, कौन उन्हें प्रेशर करता है, क्या वहां के लेक्चरार उन्हें प्रेशर करते हैं, क्या उन्हें मैसेज भेजते हैं, नंबर कहाँ से आया, ये तमाम जानकारियाँ हम जुटाने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। एक तरफ दिल्ली में खिलाड़ी यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं कि वहां के जो अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती संघ के, वो यौन शोषण करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने, कुश्ती प्लेयर्स ने ये आरोप लगाए हैं, और इधर बच्चे आरोप लगा रहे हैं। 7 से 8 पेज की जो हम शिकायत कह सकते हैं वो विधायकों को दी है, विधायकों ने बात की है बच्चियों से, और उसके बाद कुछ बच्चियां वहां पर रोने भी लग जाती हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कार्रवाई होगी उस व्यक्ति के खिलाफ जो इनको प्रेशर में लेकर आ रहा है, जो इनका टॉर्चर कर रहा है? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।